1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद से मदरसों का समस्त कार्य शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आ गया, जिसके बाद मदरसा एक्ट बना 2004 और उसके साथ मदरसा नियमावली 2016 बनाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ से निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है।